3. क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति माम् हि पार्थ व्यापादः ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति परां गतिम्। अर्थात हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। दुराचारी भी सच्चे मन से मुझे भजने के पश्चात सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर धर्मात्मा हो जाता है। लिंग, जाति और व्यवसाय के आधार पर भी समाज में गौण माने जाने वाले तथा पाप कर्म करने वाले भी यदि मेरी शरण में संपूर्ण भक्ति और समर्पण से आते हैं तो वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब आज का श्लोक, श्लोक संख्या 33। किं पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजसा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्।